आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। नेशनल हाईवे दिल्ली पटियाला रोड पर बसा नरवाना हल्का, यह हल्का वीवीआईपी के नाम से विख्यात रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की चुनावी रणभूमि है। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में लोगों को नरवाना को जिला बनाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हो पाया। अब लोगों को काम करवाने के लिए तकरीबन 70 किलोमीटर दूर जींद जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और नरवाना जिला बनाओ समिति का गठन करके तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके लिए बकायदा नरवाना को जिला बनाने के लिए जिला बनाओ संघर्ष समिति ने संयोजक डॉक्टर प्रीतम मेहरा के नेतृत्व में एक अभियान तक चला दिया है और तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर जिला बनने के लिए यह हल्का सक्षम है। और इसकी मांग भी कई साल पुरानी है, लेकिन आज तक इनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा अब मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई गई है कि इस हल्के को अब जिला का दर्जा दिया जाए। नरवाना राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण एरिया रहा है। यहाँ से पूरे हरियाणा की जो ध्रुव है नरवाना की राजनीति से चलता है, इसलिए हम मांग करते हैं, जनता की पुरजोर मांग है ये, नरवाना को जल्दी से जल्दी जिला बनाया जाए ताकि लोगों की यहाँ की आकांक्षा पूरी हो सके। और लोग जो अपने काम के लिए जींद जाना पड़ता है, धनौरी से जींद 70 किलोमीटर के करीब पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि नरवाना को जिला बनाकर और उचाना, कलायत और टोहाना के आसपास के गाँव को मिलाकर यहाँ पूरे जिले का स्वरूप बनता है। जनता की मांग को सरकार माने, हम इस बात के लिए आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। और ये संघर्ष नरवाना की जनता का लगातार जारी रहेगा और जब तक जिला नहीं बनाया जाता, नरवाना की जनता इसके लिए संघर्ष करती रहेगी और पूरे प्रयास करती रहेगी। नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।